हेलो गाइस, आज हम चले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने निडों की ओर जा रहे थे। गांव के कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर उपास में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक उम्र से सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वह तो गंधर्व है, गायक है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरा बेटा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है और बहादुर है। वह बड़ी बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है, हीरा मेरा बेटा। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे की बारे में कुछ नहीं कहा। पहली औरत ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व वैसा है, गायक है, ना भीम सा बलवान और ना बृहस्पति का अवतार। कुछ समय बाद जब वह सब सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, उसने मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाते हुए उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की और कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा इधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य से इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसे और उसकी और बिना ध्यान दिए ही निकल गया।
वह कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए निकला। उसके आश्चर्य से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो ये यही मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखकर कर आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक इधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रतीक का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन ये ही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। उसने माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दे दूँ। ना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। वह वृद्धा महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। माँ अपने बेटे के गुणों को दूसरों के आगे बखान करती है। सच्चा हीरा वही ही होता है जो अपने माता पिताओं की सेवा करता है। यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सो गाइस, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाय बाय। सो गाइस, अब मैं फोर्थ क्लास में आ गई हूँ, तो आपको नर्सरी टू फोर्थ की वीडियो एजुकेशन पर वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो आप गाइस मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय।